आप न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं, मैं हूँ आपके साथ वंदना। हमारे साथ बात करने के लिए है निवर्तमान प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल। और आज जो उत्साह है, जो जोश है, वो काफ़ी बीजेपी के कार्यकर्ताओं में देखी जा रही है। भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा दिन होता है जिस दिन हमारे प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव होता है, क्योंकि उन्हीं के मार्गदर्शन पे पूरी भारतीय जनता पार्टी बिहार चलती है। तो आज भाजपा बिहार के लिए उत्सव का दिन है, आज वह कार्यभार यहाँ पे ग्रहण करेंगे और इसलिए भाजपा का प्रत्येक बूथ से लेकर प्रदेश तक का कार्यकर्ता उनके स्वागत के लिए तैयार है। राबड़ी देवी ने जो कहा कही, उनके बातों को कैसे आप देख रहे हैं? देखिए, उन लोगों के में तो सबको पता है ना कि अभी पूरे राजद में खुशी का माहौल है कि 40 साल बाद जो अध्यक्ष बनेगा उसका जन्म होने वाला है। यह सुविधा तो दूसरे किसी दल में नहीं है। आज ही हम लोग को पता है कि जो भी उनको पुत्र रत्न की प्राप्ति हो चाहे पुत्री रत्न की प्राप्ति हो, लेकिन तेजस्वी जी के जो भी बच्चा होगा वही राष्ट्रीय जनता दल का आगामी राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा। जब तक लालू जी हैं, लालू जी रहेंगे, उसके बाद तेजस्वी जी रहेंगे, उसके बाद उनका बेटा रहेगा, उसके बाद उनका परपोता रहेगा। तो राजद में गुलामी की परंपरा, भाजपा में जनतांत्रिक परंपरा। धमाका 2024 में भी देखने को मिलेगा सर? 24 में ही नहीं, 25 में भी देखने को मिलेगा। भाजपा की 2/3 बहुमत से बिहार में सरकार बनेगी और भाजपा का जो विकास बिहार का हम लोग जो सोचते हैं वो करेंगे। आज तक कभी भी यहाँ इंडस्ट्री में ध्यान नहीं दिया गया और रोजगार उद्योग से मिलता है। पहली बार हम लोगों ने 1.5 वर्षों में उद्योग के द्वारा रोजगार की संभावनाएं बढ़ाई। तो नीतीश जी के प्रधानमंत्री के दिवा स्वप्न का भेंट चढ़ गया। अगली बार भाजपा की सरकार बनेगी और उत्तर प्रदेश में जैसे इस वर्ष ही केवल 8 लाख करोड़ के उद्योग लग रहे हैं, यही बिहार में भी होगा। एक अंतिम सवाल, पैदल मार्च महागठबंधन के नेताओं की तरफ से निकाला गया है, सब बेचारे पैदल हो गए हैं। आपने गलती किया, आप कोर्ट में माफ़ी मांग लेते। आप जानबूझ करके पिछड़ों का अपमान करेंगे, आप जानबूझ करके देश के प्रधानमंत्री का अपमान करेंगे और प्रधानमंत्री के अपमान के चक्कर में पूरे भारतवर्ष के पिछड़ों का अपमान करेंगे, तो जनता तो आपको पैदल कर ही चुकी है। देखिए, तो संजय जायसवाल ने बड़ा बात जो है महागठबंधन की को लेकर ने कह दिया है। उस साफ तौर से कहा है कि अब महागठबंधन के जो घटक दल हैं वह पैदल हो गए हैं, नेता पैदल हो गए हैं, यही कारण है कि पैदल मार्च कर रहे हैं। हालांकि जिस तरह से आज सम्राट चौधरी ने प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर आज उनका स्वागत के लिए कार्यकर्ताओं ने जो तैयारियाँ कर रखी है, थोड़ी ही देर में वो पार्टी दफ्तर पहुँचने वाले हैं, इसको लेकर जो जोश और जो उत्साह है काफ़ी कार्यकर्ताओं में है। जैसा कि संजय जायसवाल ने भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लिए हर रोज बड़ा दिन होता है। एक झलक हम आपको दिखा दें जहां उनकी तैयारियों के लिए जो मंच बनाया गया है, जहां आप देख सकते होंगे कि सिर्फ जो है भगवा कलर से ही ये मंच जो है वह बनाया गया है। जाहिर सी बात है कि थोड़ी ही देर में वो तमाम भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की उपस्थिति जो है वह इस मंच पर होगी और साथ ही साथ नए प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर सम्राट चौधरी हैं उनकी रहेगी। तो अब देखने वाली विषय होगी कि जिस उम्मीद से और जिस आशा से कार्यकर्ताओं में जो इंतजार है होता है, क्योंकि संजय जायसवाल ने जैसा कि कहा कि आज प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर ये पुरानी परंपरा रही है कि उनके स्वागत के लिए जो है तैयारियां की जाती रही है। और कटाक्ष करते हुए उन्होंने महागठबंधन को लेकर भी कहा कि अब वो लोग खुद पैदल हो गए हैं, इसलिए वो पैदल मार्च कर रहे हैं, गलती भी करते हैं और फिर सिनाजोरी भी करते हैं। इसका बस इतना ही, बने रहिए न्यूज फाउंडेशन के साथ। अब तक के हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए। धन्यवाद।